आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। 16 जनवरी 2021, ये भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन डे की तारीख है। सरकार ने कल ऐलान कर दिया है कि अगले शनिवार से देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो जाएगी और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को यह खुशखबरी दी। तारीख का ऐलान करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन की तैयारियों पर एक हाई लेवल बैठक भी बुलाई है। वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी थी। वैक्सीन ऑफ मेसर्स सीरम एंड भारत बायोटेक आर बीइंग अप्रूव्ड फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन। इंतजार था तो बस एक चीज का, जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। आज वो तारीख भी मिल गई और वो तारीख है 16 जनवरी 2021, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगी, क्योंकि इस तारीख से भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत और कोरोना के अंत का शंखनाद करेगा। अब बस कुछ ही दिनों में वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और जिस दिन का सबको इंतजार था वो है 16 जनवरी जब भारत में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सिर्फ तारीख का इंतजार था, वो भी आ ही गई। ये पहले ही तय हो चुका था कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप होगा हेल्थ केयर वर्कर्स का, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 1 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। दूसरा ग्रुप होगा फ्रंट लाइन वर्कर्स का, इसमें केंद्र और राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बलों, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और निगम कर्मचारियों समेत 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। और तीसरा ग्रुप होगा 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोग, जिनकी संख्या है 27 करोड़, जिन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। कोरोना की वैक्सीन पहले किसे और कैसे मिलेगी, इसकी प्लानिंग के साथ साथ वैक्सीन की डिलीवरी और स्टोरेज की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, जिसके लिए कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 3,000 सोलर रेफ्रिजरेटर के साथ तैयारी पूरी हो चुकी है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं, ऐसे 4 बड़े डिपो हैं। एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहां से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं, तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। तैयारी पूरी है और इस तैयारी को एक नहीं बल्कि 2-2 बार परखा जा चुका है। देशव्यापी ड्राई रन चलाकर, जिसमें वैक्सीन को छोड़कर बाकी सारी चीजें और व्यवस्था बिल्कुल असली थी, और अब 16 जनवरी से वैक्सीन भी असली होगी। लेकिन वैक्सीन कौन सी होगी, इस पर सस्पेंस है। दरअसल देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। पहली कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और दूसरी कोवैक्सीन, जो हैदराबाद की भारत बायोटेक लैब में तैयार हुई है। कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन है, लेकिन इसको लेकर विवाद है, क्योंकि इसके ट्रायल के नतीजे आने से पहले ही इसे मंजूरी दी गई है। यानी दोनों वैक्सीन साथ लगेंगी या सिर्फ अभी कोविशील्ड लगेगी, ये तय नहीं है। वैसे तय तो अभी वैक्सीन का रेट भी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी कह चुके हैं कि रेट जो भी होगा आम आदमी पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला
जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। तो कीमत की चिंता छोड़ दीजिए, कौन सी वैक्सीन लगेगी ये भी मत सोचिए, बस खुश हो जाइए कि वैक्सीन लगेगी और कोई नानुकुर नहीं चलेगी, सबको लगवानी ही पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।